बड़ी खबर भोपाल से, जहां श्यामला हिल स्थित सीएम हाउस के चारों तरफ बैरिकेडिंग लगी है। चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए गए हैं। राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह अपने समर्थकों के साथ सीएम हाउस के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। ये पहला मौका है जब कमलनाथ भी दिग्विजय सिंह के साथ धरने पर बैठे हैं। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के काफिले को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस कर्मियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोज की तरह शुक्रवार को सुबह पौधा लगाने मुख्यमंत्री आवास से स्मार्ट सिटी पार्क के लिए निकले थे, तभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले को रोकने का प्रयास किया। तो हमने कुछ बातचीत करी, उन्होंने मुझे कहा कि दिग्विजय सिंह जी देखिए धरना कर रहे हैं, मेरे जैसे टाइम मांग रहे हैं, मुझे कोई परहेज नहीं है, मैं तो खुशी से टाइम दूंगा उन्हें। मैंने कहा ठीक है, पर वो धरना कैसे, क्यों धरना दे रहे हैं? मैंने कहा उनसे पूछूंगा मैं कि क्यों धरना दे रहे हैं। पर अभी जो मैंने दिग्विजय सिंह ने मुझे बताई कहानी, 1.5 महीने से वो टाइम मांग रहे हैं और आज का टाइम फिक्स हुआ था और आज कैंसिल कर दिया। सर आपको टाइम दिया और दिग्विजय को टाइम नहीं दिया, हम तो बाय चांस मिल गए। सर क्या चर्चा हुई आपकी सीएम से? दिग्विजय सिंह को क्यों नहीं दिया? हेलीकॉप्टर हमारा उसी वक्त मेरा। सर आपको समय दे दिया, दिग्विजय सिंह को क्यों नहीं दिया? उतना समय कौन सा समय दिया मुझे? सर बेकार की बात कर रहे हो, कौन सा समय दिया? मैंने कहा मैं हेलीकॉप्टर लैंड किया हुआ है, कौन सा समय दिया? सर आप भी जाएंगे के पास?